कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह खाद तेल बाजारों के एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित हूं। खाद तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है इसकी जानकारी आपको देंगे, जिसके अंतर्गत सोया ऑयल, पामोलिन, राइस ब्रैन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन सीड, कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है, केएलसी में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, इंटरनेशनल बाजारों में क्या स्थिति है, साथ ही मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल सारी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। तो जो लोग भी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी उनके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं, सबसे पहले आपको लोकल बाजारों से बात करते हैं, फिर विदेशी बाजारों की बात करेंगे। तो लोकल बाजारों में जैसे कि आपको मालूम है, सोया ऑयल का बाजार कल 1 रुपये गिर के 91 रुपये बाजारों में कामकाज हुआ। पामोलिन का बाजार भी 83 से 84 रुपये रहा। राइस ब्रैन ऑयल का बाजार 82 से 83 रुपये हो गया। मस्टर्ड ऑयल का बाजार 106 से 107 रुपये के बीच में कामकाज देखा गया। सोयाबीन सीड का बाजार भी 4750 के आसपास है। नई सोयाबीन की क्रॉप आ रही है तो उसका भी बाजारों में हल्का सा प्रेशर देखने के लिए आपको बाजारों में देखने के लिए मिल सकता है। हल्का फुल्का बाजारों में उसका इम्पैक्ट भी बाजारों में आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए कांडला पोर्ट की स्थिति जानते हैं। कांडला पोर्ट में क्रूड पाम ऑयल का बाजार 769 रुपये, फॉरवर्ड में 764 रुपये, पामोलिन 795 रुपये, सोया रिफाइंड 860 रुपये, सोयाडगम 780 रुपये, फॉरवर्ड में 790 रुपये, सनफ्लावर ऑयल का बाजार 860 रुपये रहा। इससे पहले आपको बता देते हैं, बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस आपको अगर जानना है तो मॉर्निंग 9:30 का शो हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं किस तरीके से सीबॉट सोया तेल में कामकाज हुआ। सीबॉट सोया तेल में लगातार आप देखेंगे बाजारों में गिरावट जारी है। अमेरिका में सूखे का एरिया बढ़ा है, इस कारण फसलों की कटाई की रफ्तार एरिया में धीरे धीरे बढ़ रही है। आप देखेंगे कि बाजारों में इस कारण एक्सपोर्ट की रफ्तार लगातार सुस्त बनी हुई है। 4 दिनों में अगर क्रूड ऑयल की बात करी जाए तो लगभग 10% के आसपास बाजारों में गिरावट आ चुकी है। कनाडा कैनोला वायदा 31 अगस्त से $97 की बाजारों में गिरावट है। अगर आप बात कर लेंगे कल सीबॉट सोया तेल की है, तो अक्टूबर वायदा लगभग $13 की गिरावट के साथ साथ 3 दिनों में लगभग 3 रुपये किलो की बाजारों में गिरावट आ चुकी है। दिसंबर वायदा अक्टूबर से डिस्काउंट पर अब तक 258 पॉइंट, जो कि 30 सितंबर से 162 पॉइंट था, बाजारों में गिरावट के साथ ही कामकाज हो रहा है। ब्लैक सी सन ऑयल मलेशिया ओलिन $57 सस्ता है। कांडला ओलिन कांडला में हाई सी सीपीओ 71 रुपये किलो, ड्यूटी अलग से बाजारों में कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई लोगों की रिसर्च के अनुसार जैसे कि देखा जा रहा है, अल नीनो का जो कोई खास असर बाजारों में पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। दोनों जो रिपोर्टें आ रही हैं, केएलसी में एक बाजारों में एक रेंज बाउंड्री ट्रेड रहेगा, बाजारों में एक नियर अबाउट 3600 से 3550 की रेंज के आसपास से एक सपोर्ट बना रहेगा। यहाँ से एक बार फिर से आपको बाउंस बैक देखने के लिए मिल सकता है। लगातार आप देख रहे हैं यूजर देशों में पाम ऑयल स्टॉक लगातार ज़्यादा बना हुआ है। इस कारण स्टॉक बढ़ाने से लोग भी बच रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बाजार में लगातार जो सनफ्लावर ऑयल बाहर से इंपोर्ट हो रहा है, बाहर से आ रहा है, उसका असर भारतीय बाजारों में देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए भारतीय बाजारों में बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं बन पा रही है। चलिए केएलसी की बात करते हैं। केएलसी कल 107 रिंगिट की गिरावट की बड़ी गिरावट के साथ बंद हुई थी। सीबॉट का भी रात को कल -57 सेंट की गिरावट देखी गई। केएलसी सुबह -5 रिंगिट की गिरावट के साथ ही ओपन हुई है। सोया ऑयल का आज का सपोर्ट का लेवल अगर बात करेंगे, सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल आज का अगर 90 रुपये देखा जा रहा है और रेजिस्टेंस का लेवल 92 रुपये। इसी तरीके पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 83 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 85 रुपये। राइस ब्रैन का सपोर्ट का लेवल 82 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 83 रुपये। मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 5700 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 5850 रुपये। सोयाबीन सीड का सपोर्ट का लेवल 4800 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 4900 रुपये। ओवरऑल आउटलुक में आप देख के चल सकते हैं कि मार्केट में ट्रेंड डाउन है। बाजारों में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरीदारी करेंगे तो बेटर रहेगा, और विस्तार से जानकारी आप लोग कहां पर सही समय पर एंट्री ले सकते हैं इसके लिए आप मॉर्निंग 9:30 शो हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नई खबर के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24। नमस्कार।